फेरियम एक्सटी टेबलेट जो कि बनाई जाती है एम क्योर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। 189 रुपीज़ का 10 टेबलेट का यह पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें फेरस एस्कॉर्बिक एम फोलिक एसिड रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है विटामिन B9 की कमी को पूरा करता है और ऑक्सीजन के सप्लाई को करता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट्स साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि फेरनियम एक्सटी टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। फेरियम एक्सटी टैबलेट जो कि बनाई जाती है एम क्योर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। 189 रुपीज़ का 10 टैबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है और ये टैबलेट क्या करता है कि आयरन और विटामिन B9 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और ये मेंटेन करके रखता है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और प्लेटलेट्स का फॉर्मूलेशंस करता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर आयरन डाला गया और फेरस एस्कॉर्बिक डाला गया है जो कि क्या करता है कि फॉलिक एसिड और मेंटेन करके रखता है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को बच्चों में और बड़ों में। फॉलिक एसिड जो कि बहुत ही जरूरी रहता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए और एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अंदर फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड डाला गया जो कि आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है और आयरन को बढ़ाता है और बूस्ट करता है RBC का प्रोडक्शन को जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है और ये ब्रेथिंग में हेल्प करता है हेडेक में कम करता है और इरेटेबल्स में भी हेल्प करता है। इसको यूज किया जाता है ब्लड सेल्स को बनाने के लिए और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को हेल्प करने के लिए। इसको डॉक्टर रिकमेंडेड नहीं करते हैं कि जब आपको आपके कोई हिस्ट्री किडनी स्टोन्स वगैरह हुआ हो तो उसमें ये रिकमेंड नहीं करते हैं। इसको रिकमेंडेड किया जाता है जब आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है तब इसको किया जाता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है तब इसको रिकमेंडेड करते हैं और हेडेक और पेल स्किन या स्ट्रॉन्ग कैविटीज में इसको रिकमेंडेड किया जाता है। तो इस कैप्सूल टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।